Subscribe to our channel by clicking the subscribe button, click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. Now see question 19. Question is In figure given P S by SQ is equal to P D by T R and angle P S T is equal to PRQ. Then prove prove that. ट्रंगल पी क्यू आर इज एन कैन सी दिस यानी कि इसकी कोई भी दो साइड आपस में इक्वल है अब कैसे हम ये प्रूव करेंगे तो सबसे पहले जो गिवन इंफॉर्मेशन है मैं उसे लिख देता हूँ गिवन है एंगल पी एस टू यानी कि दिस एंगल और एंगल पी आर क्यू पी आर क्यू इज दिस एंगल ये दोनों एंगल आपस में इक्वल है ये गिवन है साथ ही हमें पी एस बाई एस क्यू इज इक्वल टू पीटी बाई टी आर ये हमें गिवन है तो सबसे पहले मैं यहां पे लिखता हूं पी एस बाई एसक्यू इज इक्वल टू पीटी बाई टी आर ये कहाता हूं लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड का तो ये क्या हो जाएगा दिस में पी एस इज इक्वल टू टी आर अपॉन में पीटी ये मैं लिख देता हूं और दोनों तरफ मैं क्या कर देता हूं लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड में प्लस वन कर देता हूं यानी एसक्यू बाई पी एस प्लस वन इक्वल टू टी आर बाई पीटी प्लस वन तो लेफ्ट प्लस वन प्लस मैंने जो है पर ऐड किया है तो इक्वेशन में कोई चेंज नहीं आएगाक्वल टू टी आर प्लस पीटी अपॉन में पीटी ये आपका आ गया अब आप देखिए यहां पर एस क्यू और पीएस दोनों का सम क्या आ गया पी क्यू अपॉन में पी एस टी आर प्लस पीटी टी आर और पीटी का सम कितना आ गया पी आर आ गया अपॉन में पीटी यहां पे मैं अगेन रेसी प्रोकल करा रहा हूं यहां पे अगेन रेसी प्रोकल कराया तो दिस इंप्लाइज दैट पी एस अपॉन में पी क्यू इज इक्वल टू पीटी अपॉन में पी आर यह आपका आ गया मार्केट फर्स्ट नाउ पी एस अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू पीटी अपॉन पी आर है ऑल्सो ऑल्सो एंगल अगर हम बात करें एंगल एस पी टी एस पी टी इज इक्वल टू क्यू पी आर तो एसपीटी आर के इक्वल है इक्वल टू एंगल आर और नथिंग बट ये क्या है नथिंग बट कॉमन एंगल है दिस इज कॉमन दोनों ट्राइंगल में कॉमन एंगल्स है यहां पे मैं दो ट्राइंगल्स ले रहा हूं एक तो ट्राइंगल ले रहा हूं एस पी टी और दूसरा क्यूपीआर एसपीटी और क्यूपीआर में दिस एम्प्लाइज देंगल एस पी टी इज सिमिलर टू ट्रैंगल क्यू पी आर बाय साइड एंगल साइड सिमिलैरिटी क्राइटेरिया इस क्राइटेरिया से ये दोनों सिमिलर हो गए बाय यूजिंग दिस अब जब सिमिलर हो गए तो मैं यहां पर क्या लिख सकता हूं कि इनके जो सिमिलर एंगल होंगे यानी कि एंगल पी एस टी इज इक्वल टू एंगल पी क्यू आर सो दिस एम्प्लाइज एंग मैं आपको दोबारा दिखा देता हूं दिस एंगल इक्वल अब नाउ इट इज गिवेन दैट हमें यहाँ पे गिवेन है कि एंगल पी एस टी जो है एंगल पी एस टी ये किसके इक्वल है एंगल पी आर क्यू के इज इक्वल टू एंगल पी आर क्यू पी आर क्यू के ये क्या है गिवन है सो so, अब आप इन दोनों इक्वेशन यानी इक्वेशन टू और इक्वेशन थ्री से तो फ्रॉम टू एंड थ्री टू एंड थ्री से मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूं कि एंगल यहां पर पी क्यू आर इज इक्वल टू एंगल पी आर क्यू यानी ये दो एंगल दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल और जब ये दोनों एंगल इक्वल है तो इनकी ऑपोजिट साइड यानी कि पी क्यू और पी आर भी इक्वल होंगी एंड दिस एम्प्लाइज दीक्यू इज इक्वल टू पी आर क्यों होंगी क्योंकि साइड्स ऑपोजिट टू साइड्स ऑपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर ऑल्सो इक्वल वो भी इक्वल होती है अब जब पी क्यू पी आर के इक्वल आ गया यानी ट्रैंगल की दो साइड आपस में इक्वल है तो देअर फोर आई कैन से दैट ट्रेंगल पी क्यू आर इज एन आइसोसेलिस ट्रैंगल ही क्या होगा एक आईसोसेलिस ट्रैंगल होगा